आप प्रोडक्ट सेल एंड बाय में जो सेवेंथ ऑप्शन है, मैं उस ऑप्शन के बारे में बता देती हूँ, वो है प्रोडक्ट सेल। अब आपको कोई भी प्रोडक्ट बेचना हो तो उसकी इनवॉइस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐड करके दिखा देती हूँ। ऐड इनवॉइस में जाइए, आप कस्टमर का नाम सेलेक्ट कीजिए जिसको आपने वो प्रोडक्ट सेल किया है, फिर वहाँ पर डिटेल्स ऐड कर दीजिए। पहले ग्रुप, मैं यहाँ पर कॉफ़ी प्रोडक्ट्स ले लेती हूँ, फिर ब्रांड सेलेक्ट कर लेती हूँ, फिर आइटम सेलेक्ट कर लेती हूँ, फिर वो प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी सेल की है मैं यहाँ पे 3 लिख लेती हूँ, और यहाँ पे अपने आप सारे टैग्स और रेट्स जैसे कि आपने एडिट करके डाला होगा वैसा का वैसा आ जाएगा। फिर आप सबमिट कर दीजिए। अगर आपने कोई कैश डिस्काउंट दिया है, मैं यहाँ पे 10 रुपीज़ ले लेती हूँ, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, फिर सबमिट कर दीजिए। ऐसे ही आपने जितने भी कस्टमर्स को जितने भी प्रोडक्ट्स सेल किए होंगे, ये आप यहाँ पे उनका इनवॉइस ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे किसी भी इनवॉइस को एडिट कर सकते हैं। एडिट में जाके मैं यहाँ पे 10 रुपीज़ हटा देती हूँ और फिर सबमिट कर देती हूँ। ये यहाँ पे इनवॉइस ऐड हो गया है। और अगर आपको डिलीट करना है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये था प्रोडक्ट सेल के बारे में। आपने जिसको भी प्रोडक्ट सेल किया होगा उसकी इनवॉइस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।